तो नमस्कार, हम अपने पिछले वीडियो में बात कर रहे थे यूआरट प्रोटोकॉल के बारे में। हमने यूआरट की कार्यविधि देखी थी, कैसे काम करता है, फंक्शनलिटी देखी थी, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक देखी थी, वो चिप किस तरह से होती है और कैसे काम करती है ये भी हमने देखा था। इसके साथ ही हमने उसके बहुत ही कॉम्प्लेक्स डायग्राम को छोटे तौर पर उसको समझने की कोशिश करी थी। हमने देखा कि RS-232 19.2 मीटर में स्टैंडर्ड में काम करता है, जबकि यूआरट में वो 100 मीटर तक की दूरी आराम से कवर कर लेता है। और इसका इसमें एक चीज जो मैं आपको उस समय बताना भूल गया था वो ये है कि इसकी जो बॉड रेट होती है ना, वो स्टैंडर्ड बॉड रेट इसकी होती है 9600 और ये मतलब 115200, ये दो इसकी स्टैंडर्ड बॉड रेट्स होती हैं जिसको यूज़ करते हैं। बट ये वेरी भी कर सकती हैं, डिपेंड करता है किस तरह के डिवाइस को आप लगा रहे हैं उसके ऊपर, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अब हम देखेंगे दोस्तों USB प्रोटोकॉल। USB प्रोटोकॉल बहुत ही कॉमन प्रोटोकॉल है, बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है, कॉमन है। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। साथ ही साथ में इसकी और भी खास बात होती है, मास्टर स्लेव मोड में भी काम कर सकता है। जो इनिशियल जो इसके वर्जन्स आए थे USB 1.0 1.1, वो मास्टर स्लेव में ही काम करते थे। अभी तो ये कंट्रोल फीचर्स भी देने लग गया है, कंट्रोल फीचर्स भी ऐड ऑन हो गए हैं। ऑल्सो इंक्लूडेड। साथ ही साथ में दोस्तों ये सेल्फ पावर डिवाइस होता है और ये पावर्ड बाय बस, जो जिससे कनेक्ट होता है उससे भी ये पावर्ड हो जाता है। इस दो तरीके की इसमें मेन बात होती है। और एक और इसकी मुख्य बात होती है, इट कैन सप्लाई 500 मिली एम्पियर ऑफ करंट टू द डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट। जो डिवाइस से कनेक्ट होते हैं ये उनको भी पावर दे सकता है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि आखिर USB इतना ताकतवर कैसे हुआ, इतना फेमस कैसे हुआ और ये इस स्टैंडर्ड की आवश्यकता पड़ी क्यों, क्योंकि हमारे पास RS-232 ऑलरेडी था, UART भी हमने पढ़ लिया, अभी आगे हम और प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। लेकिन जितना कॉमन हमारा USB है उतना कॉमन अभी तक मतलब कोई प्रोटोकॉल देखने में आया नहीं है, कोई कम्युनिकेशन इंटरफेस देखने में आया नहीं है। दोस्तों मैं दो शब्दों का इस्तेमाल इस पूरी प्लेलिस्ट में कर रहा हूँ, एक है इंटरफेस और दूसरा है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। मोर और लेस हम दोनों को वाइसी वर्षा की तरह से यूज़ कर रहे हैं। दोनों का बेसिकली इंटेंशन ये है कि इंटरफेस का मतलब होता है कि वायर्ड कनेक्शन और प्रोटोकॉल का मतलब होता है वो नियम जिनके थ्रू ये वायर्ड कनेक्शन काम करेगा। तो मतलब अभी जो हम प्रोटोकॉल देख रहे हैं, जैसे UART को हमने देखा था वो चिप बेस्ड होता है, तो उसके खुद के काम करने की जो तरीके होते हैं वो सारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में आएंगे और हार्ड वायर्ड जो कनेक्शन होगा वो इंटरफेस का कंपोनेंट होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। सीरियली टू डिवाइस कनेक्ट होता है, कनेक्टेड टू किससे कनेक्टेड होता है, ऑल इलेक्ट्रॉनिक पेरिफेरल्स से कनेक्टेड होता है। जैसे कि एग्जांपल क्या होगा हमारा, अब इसके एग्जांपल की कोई सीमा ही नहीं है, कीबोर्ड भी हो सकता है, माउस भी हो सकता है, जिस डिवाइस से मैं लिख रहा हूँ वो भी हो सकता है, बहुत सारे हैं, मतलब इसका इसकी लिमिट नहीं है। आप देखो डिस्प्ले से लेके स्टोरेज से लेके इसकी ये अब हर जगह ऑलमोस्ट है ही है। ऐसा हमारे घर में ऐसे हाउस होल्ड में ऐसे बहुत सारे डिवाइसेज हैं जो सिर्फ USB से ही कनेक्ट हो सकते हैं या USB के ऑप्शंस उनमें ऑलरेडी रहते हैं। इसको बनाने का कारण क्या था, ये इसलिए बनाया गया क्योंकि एक ऐसा डिवाइस की ज़रूरत थी जो रिप्लेस करे जिसको ओल्डर बेसिकली लार्ज एंड स्लोअर कनेक्शंस को, कनेक्शन के जो तरीके थे उनको रिप्लेस करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी। ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये अच्छा, एक और बात आती है जो बहुत कम लोगों को पता है कि ये बना कैसे, ये बेसिकली जॉइंट एफर्ट था बहुत सारी कंपनियों का,
जिसमें सबसे पहले हम नाम लेंगे कॉम्पैक का, अभी तो है नहीं कॉम्पैक्ट जेन, देर इज डी सी, IBM जिसका सबने नाम सुना है, इसी के साथ ही इंटेल भी इसमें इन्वॉल्व थी, इंटेल के साथ एक कंपनी और है माइक्रोसॉफ्ट, ये भी इसमें इन्वॉल्व थी, साथ ही साथ NEC करके कंपनी थी, NEC कॉर्प, सॉरी दिस इज CNEC, देन नॉटल करके कंपनी है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, उस समय जब USB 1.0 आया था उस समय उनका जॉइंट एफर्ट था, और ये कब इनने एक साथ काम करना चालू किया था 1994 में, तब से मतलब ये काम कर रहे थे लेकिन स्टैंडर्ड आने में थोड़ा समय लगा था, बट ये बेसिकली इन कंपनियों का जॉइंट एफर्ट है और इसका ओरिजिन माना जाता है 1994 के आसपास का। इस ये सब एक साथ क्यों जुड़े, ये तो आपस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन जुड़ने का कारण था क्योंकि डिवाइसों की संख्या, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, तो अब कोई को, जैसे फिलिप्स कुछ यूज़ कर रहा है, ओनिडा कुछ और यूज़ कर रहा है, मर्फी कुछ और यूज़ कर रहा है, डेल कुछ और यूज़ कर रहा है, HP कुछ और यूज़ कर रहा है, तो उनने और ये माइक्रोसॉफ्ट ये लोग तो ऑलरेडी थे ही कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो हुआ क्या कि इनने प्लान किया कि ये हमारे पास अलग अलग तरीके की डिवाइसेस हैं और ये एक सिंगल कनेक्टर हो और वो सारे डिवाइस उसी से ही कनेक्ट हो जाए, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बनाई जाए, तो इसलिए इन लोगों ने एक साथ काम करने का ठाना और इसलिए ये प्रोटोकॉल बड़ा फेमस हुआ। तो इसके गोल में हम लिखेंगे टू डेवलप अ सिंगल इंटरफेस, इसके लिए दैट कुड बी यूज्ड किसके लिए, टू एक्सेस और फॉर मल्टीपल डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस में एक साथ काम कर जाए, एंड एलिमिनेट जो पुराने स्टैंडर्ड्स थे, द मैनी एलिमिनेट मैनी डिफरेंट कनेक्टर्स ऐसा नहीं है कनेक्टर्स को ही एलिमिनेट करना था ऑल्सो एंड टू इंक्रीज, क्या इंक्रीज करेंगे, डेटा थ्रूपुट, डेटा थ्रूपुट, इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डेटा थ्रूपुट का मतलब क्या होता है दोस्तों, डेटा थ्रूपुट का मतलब होता है कि डेटा भेजने से लेके पहुंचने तक का जो समय होता है उसको बोलते हैं थ्रूपुट, मतलब कि आपको डेटा की स्पीड बढ़ानी थी बेसिकली, ये इसका मेन मकसद था। अब दोस्तों इसका पिन डायग्राम हम देखेंगे, इसका पिन डायग्राम किस तरह से होता है, इसका पिन डायग्राम होता है पिन और फंक्शन, ये दोनों चीज़ें हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। पिन नंबर एक जो होती है वो होती है हमारी 5 वोल्ट पावर और इसको बोलते हैं वी बस, इसी तरह से एक और होता है जिसको बोलते हैं डी प्लस या डिफरेंशियल डेटा लाइन, ये दो होती हैं डिफरेंशियल डेटा लाइन, इसको एक को हमने प्लस दे दिया दूसरे को हमने दे दिया माइनस, डिफरेंशियल डेटा लाइन डी नेगेटिव, और जो चौथी पिन होती है उसको बोलते हैं, चौथी पिन हमारी होगी पावर एंड सिग्नल ग्राउंड, मोस्टली ये सिग्नल मतलब ग्राउंड कनेक्ट करने के लिए होती है। दोस्तों पॉजिटिव माइनस से क्या होता है कि ये वोल्टेज डिफरेंस जनरेट करता है, उस वोल्टेज डिफरेंस के हिसाब से जो इसका कंट्रोलर होता है वो इसको इंटरप्रिटेट करता है और इंटरप्रिटेशन के हिसाब से वो अलग अलग तरीके से काम करता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा भी है लेकिन इसको समझने में बहुत मज़ा आता है। अब देखते हैं कि USB का जो इवोल्यूशन हुआ वो कैसे हुआ, USB के कितने वर्जन्स आए और उन वर्जन का सीधे सीधे डेटा ट्रांसफर रेट पे क्या फर्क पड़ा, इस पे क्या इफेक्ट पड़ा। अभी हम डेटा ट्रांसफर रेट अभी हम MBPS में देख लेते हैं, अभी जो लेटेस्ट प्रोटोकॉल है वो GB में करता है, बट पहला जैसे देखेंगे तो जो पहला वर्जन आया था
वो आया था USB 1.0, उसके बाद आया USB 1.1, और इसमें दो तरीके की डेटा रेट मिली, एक है 1.5 Mbps और दूसरी है 12 Mbps। जो 1.5 Mbps है इसको बोलते हैं लो स्पीड USB, और जो 12 वाली थी इसको बोलते हैं हाई स्पीड USB। तो लो स्पीड और हाई स्पीड का जो वो था वो उसी समय से चालू हो गया था। और ये जो ये बात है जनवरी, ये कब आया था जनवरी, इसका रिलीज माना जाता है 1996 के आसपास का। इसी के बाद जो दूसरा आया वो आया हमारा USB 2.0। USB 2.0 में जो हमें स्पीड मिली इसको, ये आया ये है, इसको भी हाई स्पीड के एडवांस हुए इसमें, और इसकी जो स्पीड थी 480 Mbps, और ये माना गया 2001 के आसपास का है। अप्रैल 2000 से चालू हुआ था इस पर काम करना, और जो रिलीज आई थी वो 2001 के आसपास स्टैंडर्ड रिलीज आ गई थी। उसके बाद USB 3.0 जो वर्जन आया इसको बोलते हैं सुपर स्पीड, और ये 2008 के आसपास, नवंबर 2008 के आसपास आया था, नवंबर 2008 के आसपास आया था, और इसमें जो स्पीड मिली थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, 4800 Mbps। जो USB 3 आया उसके बाद 3.1 आया, और ये 2014 के आसपास आया था, और ये इसकी में जो स्पीड थी वो थी इससे जस्ट डबल, 9600 Mbps, जो कि वास्तव में ही बहुत ज़्यादा स्पीड है। तो दोस्तों ये तो था हमारा यूएसबी का मतलब पॉइंट, ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे ये आगे बढ़ी। अब यूएसबी में बड़ी अलग अलग चीज़ें भी इन्वॉल्व होने लगी, जैसे कि यूएसबी में हमारा मिनी होता है, माइक्रो होता है, और ओटीजी भी होता है। मिनी माइक्रो बेसिकली कनेक्टर्स हैं, है ना। अब USB 2 वर्जन इनका, USB 2, USB 3 या जो भी स्टैंडर्ड वर्जन होता है वो फॉलो करते हैं, मेकर्स पे बेसिकली ज़्यादा डिपेंड करता है। जो OTG जो चीज़ है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसका फुल फॉर्म होता है ऑन द गो। ये ऐसी व्यवस्था आपको देता है, ये कैसी व्यवस्था देता है, इट विल हेल्प टू मेक डिवाइस टू कम्युनिकेट ईच अदर, डिवाइस को बात करने का सुविधा देता है। ये कैसे करेगा, ये क्या करेगा, इनेबलिंग द डिवाइस टू बी USB होस्ट। अब ये होस्ट क्या शब्द है, होस्ट वो डिवाइस होता है, जैसे कि यदि दो कंप्यूटर या मेरा मेरा लैपटॉप और मेरा मोबाइल आपस में कनेक्टेड हैं किसी भी तरह से, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यदि जब वो डिवाइस जहाँ से मैं अपने दूसरे डिवाइस को ऑपरेट करता हूँ या कंट्रोल करता हूँ उसको बोलेंगे, या इसका मोड चेंज करता हूँ, बेसिकली कंट्रोल वाला फीचर्स जो जब आता है, तो वो मैं यदि यहाँ से उसको ऐड कंट्रोल करता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, पेस्ट कर सकता हूँ, उसको जिस भी मोड पे उसको काम करना चाहे ले सकता हूँ, तो वो होता है होस्ट। और ये क्या करेगा, किसी भी, ये इससे क्या होता है कि कोई भी डिवाइस जो है वो होस्ट बन सकता है, ये बड़ी बात हो जाती है। इसी के साथ साथ इसमें अलग अलग तरीके के और नियम काम करते हैं, जैसे कि अटैच डिटेक्शन प्रोटोकॉल। ये ऐसा नहीं है ओटीजी के लिए कॉमन है, बट ये सबके लिए ही कॉमन है प्रोटोकॉल, जिसको बोला जाता है ADP। इसी तरह से सेशन रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल भी इसमें काम करता है। सेशन रिक्वेस्ट का काम क्या होता है कि जैसे कि मेरा प्रिंटर और कंप्यूटर दोनों कनेक्टेड हैं, किससे, यूएसबी के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो अब डिवाइस का जैसे ही वो अटैच हुआ तो उसको रिकॉग्नाइज करना, और सेशन की रिक्वेस्ट आ रही है उसको भी समझना, तो ये सार, और उसको एग्जीक्यूट भी करना, तो ये सारी चीज़ें कौन करता है, हमारा जो सेशन रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल के थ्रू ये सारी चीज़ें हैंडल होती हैं। इसी के साथ दोस्तों एक और प्रोटोकॉल है जो इसमें काम करता है, उस प्रोटोकॉल का नाम है होस्ट निगोसिएशन, निगोसिएशन
निगोशिएशन प्रोटोकॉल, इसको बोलते हैं HNP। ये भी साथ में इसमें रहता है और इस तरीके से ये काम करता है। इस तरह से यूएसबी में बहुत सारी, ऐसा यूएसबी दिखता बड़ा सिंपल है, सिर्फ 4 पिन का है, लेकिन इसमें बड़ी कमाल की चीज़ें होती हैं, बहुत अलग अलग तरीके से चीज़ों को हैंडल करता है। और हम इसके बारे में और भी जानकारी थोड़ी सी और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें मुख्य रूप से बेसिकली क्या होता है। इसमें जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, जो कम्युनिकेशन होता है वो बेसिकली बिटवीन किस किस में होगा, बिटवीन होस्ट एंड डिवाइसेस, ठीक है। और किसके फॉर्म में होता है, इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स, जो डेटा ट्रांसफर होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में होता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है कि ये एक ऐसा फीचर सपोर्ट करता है जो दूसरे डिवाइस नहीं करते, जिसको बोलते हैं प्लग एंड प्ले के फीचर। ये सिर्फ आपको इसी इंटरफेस में मिलेगा, या इसके बाद जो भी इंटरफेसेस आए हैं उनमें भी है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी उस समय सबसे पहले आई थी। इसमें एक और चीज़ होती है कि जब डिवाइस कनेक्ट होता है तो क्या होता है, और जब डिवाइस डीअटैच होता है तो क्या होता है, ये दो चीज़ें हैं। व्हेन कनेक्टेड, जब जैसी कोई डिवाइस होस्ट से कनेक्ट होता है तो उसको क्या मिलता है, होस्ट को क्या मिलेगा, कॉन्फ़िगरेशन की इंफॉर्मेशन और उस डिवाइस की प्रॉपर्टी, ये सारी इंफॉर्मेशन अपने आप उसको मिलती है। कैसे, वो जो प्रोटोकॉल मैंने अभी हमने 3 डिस्कस करे थे उनके थ्रू मिलती है, उनको भी हम विस्तृत में देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यूएसबी के अकेले प्रोटोकॉल हैं, बट हाँ जब यदि समय मिलेगा आगे चल के तो हम उनको डिटेल में देखेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन और डिवाइस की प्रॉपर्टी मिल जाती है, यूनिक आईडी मिल जाती है। क्यों, यूनिक आईडी हर डिवाइस की होती है, किसके लिए होती है, टू आइडेंटिफाई डिवाइस नेटवर्क कि कहाँ पे कनेक्टेड है। जैसे एक यूएसबी हब है, उसमें 5वें नंबर का जो डिवाइस है वो सर्विस रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उस केस में उसकी यूनिक आईडी के हिसाब से ही उसकी क्लास या उसकी उसकी जो सर्विसेज जो उसको चाहिए रहेंगी वो आइडेंटिफाई कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। और जो है इसमें डिवाइस की अलग अलग क्लासेस भी बनाई गई होती हैं, डिवाइस की जो क्लास होती हैं वो अलग अलग क्लास होती हैं, जैसे कि यूनिक, जैसे कि क्लासेस में हो जाएगा तुम्हारा डिस्प्ले, ठीक है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स, ऑडियो, मास स्टोरेज, ये, और HMI के डिवाइस। ये HMI एक नया शब्द आया है, इसको समझने की ज़रूरत है। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन मशीन इंटरफेस। बहुत सारे डिवाइसेज हैं जो ह्यूमन के इंटरेक्शन से चलते हैं, लेकिन उनका जो कनेक्शन होता है वो यूएसबी के थ्रू होता है। तो दोस्तों ये था बहुत ही कम शब्दों में यूएसबी के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि इसके और इसमें और टेक्निकली जाएंगे, क्योंकि यूएसबी को समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी डेवलपर के लिए, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या हार्डवेयर सिस्टम डिज़ाइनर हो, दोनों केस में यूएसबी की बेसिक फंक्शनलिटी पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको ब्लूटूथ थोड़ा सा आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इथरनेट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स के केस में और एम्बेडेड सिस्टम के केस में यूएसबी का बड़ा ही महत्व है। इसलिए यूएसबी को हम और समझने की कोशिश करेंगे अपने अगले वीडियो में। आप बहुत बहुत धन्यवाद।